आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर महाविद्यालय एवं महाविद्यालय के निकट स्थित ब्रह्मचर्य आश्रम में 17-18 दिसंबर को इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के पहले दिन कार्यक्रम की शुरुआत भगवान धन्वंतरी की पूजन से हुई। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय, संगठन सचिव आरोग्य भारती, सलाहकार आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं विशेष अतिथि के रूप में योगेश गेंदर पार्षद उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त मंच पर श्री हरिशंकर शर्मा ओसाका जापान, प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ पूर्व कुलपति राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, पूर्व सांसद एवं कॉलेज के छात्र डॉक्टर राम लखन कुशवाहा, पूर्व महापौर इंदौर उमा शशि शर्मा, डॉक्टर PC शर्मा जॉइंट डायरेक्टर आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन, डॉक्टर राम बाबू द्विवेदी जामनगर, डॉक्टर महेश व्यास नई दिल्ली, डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा प्राचार्य शासकीय अष्टांग कॉलेज इंदौर, डॉक्टर ब्रजेश सक्सेना अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, राकेश शर्मा अध्यक्ष एथिक्स कमिटी NCIESM, रघुराम भट्ट मेडिकल रेटिंग बोर्ड NCIESM उपस्थित रहे। विशेष अतिथि ने बताया कि भारत सरकार आयुर्वेद के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और आयुर्वेद में अनुसंधान को भी धीरे धीरे बढ़ावा मिल रहा है। जापान से आए डॉक्टर हरिशंकर ने बताया कि विदेशों में भी आयुर्वेद का तेजी से प्रचलन बढ़ रहा है। कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि कार्यक्रम में 50 वर्ष पूर्व के छात्रों का मिलन समारोह अत्यंत ही ऊर्जावान रहा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर लोकेश जोशी, नीरजा जैन, सुरभि मिलन जैन, अनुरुचि सोलंकी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आयुष निर्माता संघ के द्वारा एक अखबार का विमोचन किया गया एवं भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का भी पूजन किया गया। उद्घाटन सत्र के पश्चात वैज्ञानिक सत्र में मर्म चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन जोशी देहरादून के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार शरीर में मर्म प्रयोग करने से अनेक प्रकार की बीमारियों में तुरंत लाभ मिलता है। उन्होंने इसका प्रायोगिक परीक्षण भी करवाया। इसके पश्चात डॉक्टर संजय मुंबई के द्वारा प्रकृति परीक्षण पर व्याख्यान किया गया, किस प्रकार मनुष्य में प्रकृति का परीक्षण करके अनेक व्याधियों को पहचाना जा सकता है और उनकी आसानी से चिकित्सा की जा सकती है। कार्यक्रम की जानकारी डॉक्टर प्रदीप चौहान के द्वारा दी गई। कार्यक्रम में 1500 आयुर्वेद विशेषज्ञ, बाहर से आए हुए अतिथि, सामाजिक कार्यकर्ता, कृषि विशेषज्ञ, अनुसंधानकर्ता उपस्थित रहे। महाविद्यालय में वैज्ञानिक सत्रों में डॉक्टर के द्वारा 40 वैज्ञानिक पेपरों का वाचन हुआ। कार्यक्रम में आयुर्वेदिक दवाइयों के स्टॉल भी लगाए गए जिनमें आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन डॉक्टर PS चौहान सेमिनार सेक्रेटरी के द्वारा किया गया। महाविद्यालय द्वारा जो 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का सेमिनार है और किस तरह से आयुर्वेद को लेकर यहाँ पे चर्चा होगी? ये जो शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय है, इसको वास्तव में तो ये 1921 से संचालित है, लेकिन 1972 में इसको मध्य प्रदेश शासन ने अधिग्रहित किया और उसके बाद से ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसको इस वर्ष यानी 2022 में 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और इस 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर महाविद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा, महाविद्यालय के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा, छात्रों द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इस अवसर पर स्वर्ण जयंती समारोह के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन किया जाए, जिससे आयुर्वेद के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जो मूलभूत सिद्धांत हैं जिनका चिकित्सा में उपयोगिता होती है, उसके ऊपर विचार मंथन किया जाएगा और विचार मंथन के साथ साथ जो उसका जो एक्शंस जो निकलेगा, जो उसका सार निकलेगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग हैं, जो आयुर्वेद के जानकार हैं, आयुर्वेद के विद्वान हैं, आयुर्वेद के स्कॉलर हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। इस उद्देश्य से ये सेमिनार का आयोजन किया गया है और इसमें देश विदेश के लगभग 1200 के लगभग जो है डेलीगेट्स हमारे बीच में आए हुए हैं और ये कार्यक्रम उद्घाटन इसका चल रहा है और बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का यहाँ आयोजन किया गया है, आप पधारे, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर वंदना बुराना, मैं डायरेक्टेड आयुष से आई हूँ यहाँ पर। इंदौर का जो प्रोग्राम जो यहाँ आयोजित हुआ है, ये प्रोग्राम वाकई में बहुत गौरवशाली प्रोग्राम हुआ है। इस बहाने यहाँ पर सैकड़ों छात्र छात्राएँ जो यहाँ से जा चुके हैं पढ़कर अपनी, वो यहाँ पर आए हैं और अपने जिस तरीके से यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि आज वही
छात्र छात्राएं पूरी दुनिया में हमारा नाम कर रहे हैं, आयुर्वेद की ख्याति फैला रहे हैं, तो इससे हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा है। और ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे तो हमें नई नई चीज़ें पता चलती रहेगी। हमारे जो विद्वान लोग हैं जिन जो विलुप्त तो हो गए हैं एक तरीके से देखा जाएगा, हमें नहीं पता हमारे कितने सीनियर्स हैं यहाँ पर जिनको हम नहीं जानते, पर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हमें पता चला कि उनके पास क्या स्पेशल ट्रीटमेंट वो करते हैं पेशेंट के साथ में, क्या उन्हें स्पेशल मिला है जो वो यहाँ शेयर करेंगे, जिससे सभी को ज्ञान मिलेगा और आम जनता को इससे लाभ हो चुके हैं। स्वर्ण जयंती समारोह में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का सबसे पहले बात बता दूं, मैं 50 साल पुराना यहाँ का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहली बात तो 72 का मैं स्टूडेंट रहा हूँ और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ इंदौर मध्य प्रदेश का मैं निर्माण का अध्यक्ष राष्ट्रीय दे रहा हूँ और 30 साल से प्रकोष्ठ का काम संभाल रहा भाजपा की ओर से। हमारे यहाँ से निकले हुए छात्र राम लखन सिंह कुशवाहा 4 बार सांसद रहे, पर ऐसे ऐसे लोग निकले हैं जो विश्व में अपना नाम कर रहे हैं और ये उपलब्धि है हमारे इस कॉलेज की। और आज हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वो लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी कि उन्होंने कहाँ कहाँ किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा सबसे यही है अनुरोध है कि आज हम सब बैठ के आपस में चर्चा करें, सारे एलुमनी इकट्ठे हों, चर्चा करके बताएं कि हमने कहाँ तक जो उपलब्धि प्राप्त की है। तो आज हम इस बीच में सभी उपलब्धियों को गिनाएंगे, आप आत्मविश्वास करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे और उस आधार पर पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बजाएंगे। स्वर्ण जयंती समारोह के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, किस तरह से सभी नए पुराने छात्र एकत्रित हो रहे हैं, एक बढ़िया संदेश जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अखिलेश भार्गव अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज से, मूलतः हमारा छात्रों का मिलन समारोह तो है लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आत्मनिर्भर भारत में आयुर्वेद की क्या उपयोगिता है, हमारे आसपास जितने भी किसान हैं जो खेती करते हैं आयुर्वेदिक औषधियों की, उनको खपत करने के लिए मार्केट की क्या जरूरत है, इसलिए मैं उस दिन निर्माता हूँ उसको उनसे मिलवा रहे हैं। आयुर्वेद की पुरानी चिकित्सा पद्धति पंचक्रम में योगा है, प्राणायाम है, मर्म चिकित्सा है, प्रकृति चिकित्सा है, औषधि चिकित्सा है, ऐसी अनेक चीज़ें जो आदमी घर पर लेकर भी स्वस्थ हो सकता है। लोगों को ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बता रहे हैं, लोगों को घर के मसालों के बारे में बता रहे हैं जिनसे घर पर ही दवाइयाँ प्रयोग में ली जा सकती हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ रहें, बीमार न पड़े।